हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों अपने फ़ोन का फिंगरप्रिंट लॉक डाटा को दोस्तों आप डिलीट कर सकते हो अपने इन्फिनिक्स के फ़ोन में। दोस्तों अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर रखा है अपने फ़ोन में और आप उसके डाटा को डिलीट करना चाहते हो, मतलब दोस्तों आप यूज़ नहीं करना चाहते, दोस्तों आप कैसे डिलीट कर सकते हो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट लॉक डाटा डिलीट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग दोस्तों आप जैसे ही क्लिक कर लोगे दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है सिक्योरिटी वाले सेटिंग पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट पे ही क्लिक कर लेना है। और दोस्तों जो भी आपका डिवाइस पैटर्न है दोस्तों यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है। दोस्तों जो भी आपका पासवर्ड है दोस्तों आपको उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पे अपने मैं डिवाइस पैटर्न को यूज़ कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों मेरे फोर फिंगरप्रिंट है। दोस्तों आप कोई फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आगे दोस्तों आप ऐड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आगे अपने फिंगरप्रिंट को आप यहाँ से चेक कर सकते हो जो भी फिंगरप्रिंट दोस्तों आपने लगा रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फोर फिंगरप्रिंट लोग मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको वो फिंगर प्रिंट पर क्लिक करना जो भी आप डिलीट करना चाहते हो अपने फ़ोन में हटाना चाहते हो अगर आपको यूज़ नहीं करना है। दोस्तों आप डिलीट करके यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट आपके फ़ोन से यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो दोस्तों आप अपने फिंगरप्रिंट को रीनेम करना तो आप यहाँ पे इसको कट करके अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पे रीनेम करके भी रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लूँगा यहाँ पे माय फिंगर। दोस्तों यहाँ पे लिख लूँगा माय फिंगरप्रिंट लॉक और यहाँ पे इसको रीनेम कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ये फिंगरप्रिंट लॉक हमारे फ़ोन में रीनेम भी हो जाएगा। दोस्तों आप इस तरीके से अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को रीनेम करके रख सकते हो। और अब आपको उसके डाटा को डिलीट करना है। दोस्तों अगर आप एक भी फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं करना चाहते अपने फ़ोन में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, दोस्तों जो भी आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट है आपको उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देना है। इस तरीके से जैसे मैंने डिलीट कर लिया दोस्तों डिलीट कर दे दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड फिंगरप्रिंट, मतलब दोस्तों अब आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट को यूज़ नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको दोस्तों दोबारा से फिंगरप्रिंट सेंसर पर क्लिक करके अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप इस तरीके से अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक डाटा को दोस्तों आप डिलीट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप फेस लॉक को यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे फिंगरप्रिंट को हटाने के बाद, मतलब डिलीट करने के बाद, तो यहाँ पर आके दोस्तों आप फेस लॉक को भी सेट कर सकते हो। या दोस्तों आपके फ़ोन में पहले से ही फेस लॉक है आप उसको यहाँ पर आके डिलीट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आपके फ़ोन में कोई भी डाउट हो आपको अपने फिंगरप्रिंट लॉक को लेकर फेस लॉक कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाय बाय दोस्तों।